दोस्तों, अक्सर लोगों को बॉडी में दर्द, सांस फूलने और हाथ पैर सुन्न पड़ने की शिकायत रहती है, जिसका कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट। जब बॉडी के सभी हिस्सों तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाता तो बॉडी में कई तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट की मुख्य वजह नसों में ब्लॉकेज होती है और ये वजह उस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है कि इंसान को हार्ट प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में ले आए। अगर आप भी नर्व ब्लॉकेज की समस्या से ग्रसित हैं तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नसों में ब्लॉकेज है, नसें कमजोर हैं, तो ये चार चीज खाना आज ही शुरू कर दें। दोस्तों, ब्लॉकेज का सलूशन जानने से पहले आपको ये बता दें कि नसों में ब्लॉकेज किस कारण होती है। तो दोस्तों, नसों के अंदर हेल्दी ब्लड और ऑक्सीजन बहता है। जिस दिन से ये बंद हो जाता है उस दिन से दिल और दिमाग को न्यूट्रिशन वाला खून मिलना ही बंद हो जाता है। नसें ब्लॉक होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लॉक नसों की प्रॉब्लम को पहचानने के लिए कौन से सिम्टम्स पर नजर रखनी चाहिए? दोस्तों, इस सिचुएशन में बॉडी के हर अंग तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाता, ऐसा कई कारणों की वजह से हो सकता है, क्योंकि नसें अलग अलग बीमारियों के कॉज से अफेक्टेड हो सकती हैं। इसमें नर्व ब्लॉकेज भी शामिल होता है, यानी कि नसों की ब्लॉकेज के कारण ब्लड फ्लो बाधित हो सकता है और आपको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नसों की ब्लॉकेज के कारण हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर जैसी डेंजरस प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ऐसे में नसों की ब्लॉकेज का इलाज करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं ब्लॉक नसों को खोलने के लिए क्या खाना चाहिए या फिर नसों के ब्लॉकेज खोलने की आयुर्वेदिक दवा क्या है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चार चीज़ों के सेवन से हम एक ऐसी ड्रिंक और पाउडर बनाना सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जिसको आप कांच के डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये चार चीज़ें आपको आसानी से आपके घर में किचन में अवेलेबल हो सकती हैं, तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली औषधि हमने ली है वो है जीरा, जिसे क्यूमिन सीड्स भी कहते हैं। जीरा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही ये सूजन को कम करने और मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में कारगर साबित होती है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है और ये आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ई, ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को आपकी पूरी बॉडी में इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पर यहाँ हमने जो चीज़ ली है, जो औषधि ली है, वो है कैरम सीड्स, जिसको अजवाइन कहते हैं। अजवाइन में भी प्रोटीन, फैट, फाइबर और मिनरल जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, निकोटेनिक एसिड मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए बेहद ही हेल्पफुल हैं, जो कि आपकी नसों को खोलने में मदद करते हैं। अगर आपकी नसें एकदम दोस्तों टाइट टाइट रहेंगी तो बीच में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, फिर आपको दोस्तों नसों की ब्लॉकेज की और नसों की कमजोरी की समस्या होती है। तो ये जो अजवाइन है, इसका जो हम आपको प्रयोग बताएंगे, आपको उसका वैसे ही प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, जितनी क्वांटिटी आपको बताई जाए उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेनी है, ना ही तो ये ज़्यादा आपको क्वांटिटी में खाना है और ना ही कम क्वांटिटी में आपको इसका सेवन करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, तो उस बॉडी के हिसाब से, उस बॉडी टाइप के हिसाब से आपको इसकी क्वांटिटी लेनी है। तो दोस्तों, थर्ड नंबर पर हमने लिया है फेन्युग्रीक सीड्स, जिसे कहते हैं मेथी दाना। दोस्तों, मेथी के दाने ना केवल नसों की ब्लॉकेज को ठीक करने में हेल्प करता है, बल्कि अर्थराइटिस और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी बेनिफिशियल है। तो आइए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में सूजन होने लगती है, जिस कारण बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। इसे जोड़ों का दर्द या फिर अर्थराइटिस कहा जाता है। इससे निपटने के लिए मेथी रामबाण नुस्खा है, जिसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। मेथी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। ये गुणकारी तत्व जोड़ों की सूजन को कम करके अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। मेथी में आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए मेथी के औषधीय गुणों से हड्डियों वो जोड़ों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हड्डियां स्वस्थ और मजबूत रह सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेथी दाने का आप यूज कर सकते हैं। जो लोग नियमित रूप से मेथी का सेवन करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक पड़ने की आशंका कम हो सकती है। अगर हार्ट अटैक पड़ भी जाए तो जानलेवा स्थिति से बचा जा सकता है। बहुत सी रिपोर्ट्स में पाया जा रहा है कि आजकल जितने भी ज्यादा डेथ केसेस आ रहे हैं, वो ज्यादातर हार्ट अटैक की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, ये तब ऐसा होता
होता है जब हमारे हार्ट की आर्टरीज में रुकावट आ जाती है। वहीं मेथी दाने से हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ भी जाए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा होने से रोकता है। हार्ट अटैक के दौरान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही साथ मेथी के बीज शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस रखने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं, जिस कारण आर्टरीज में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं हो सकती। तो ऐसे में अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मेथी दाने का प्रयोग करना बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमने यहाँ तीन चीज़ें बता दी हैं, अब हम इन तीनों का पाउडर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो आपको 2 से 3 चम्मच जीरे के, मेथी दाने के और अजवाइन के, इन तीनों औषधियों की क्वांटिटी सेम ही रखनी है, यानी कि 2 से 3 चम्मच ही रखनी है। आपको इसका चूर्ण बना लेना है। अगर आप मिक्सी में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इमाम दस्ते का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो आइए अब जान लेते हैं इसका सेवन कैसे करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपको इसका सेवन करना है। दूसरी बात यह है कि सुबह खाली पेट ही सेवन करना है। और तीसरी बात, जो पानी ग्लास में लेंगे वो तांबे के बर्तन का होना चाहिए और पानी थोड़ा सा गुनगुना आपको कर लेना है। इसमें आपको 1/2 चम्मच की मात्रा में पाउडर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपको इसके बीच में मिलानी है 1/2 चुटकी की मात्रा में हल्दी, 1/2 चुटकी की मात्रा में नीम का पाउडर और 1/2 कटा हुआ नींबू का रस। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सेवन हफ्ते में 3 बार खाली पेट करना है और ये प्रयोग आपको 1.5 महीने तक करना है, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। 1.5 महीने तक हमने इसलिए कहा है कि कई लोग इसको 1 हफ्ता यूज़ करते हैं, 2 हफ्ता यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस पाउडर को एक कंटिन्यूटी में यूज़ करेंगे तो आपको आपकी बॉडी में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आप इसको 1.5 महीने तक यूज़ करके देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आखिरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग ऋद्य में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गुड़ लिया हुआ है। गुड़ में कैरोटीन, निकोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C और साथ ही आयरन और फास्फोरस होते हैं। गुड़ की तासीर गर्म होती है। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप मीठा भी उस पाउडर के बीच में मिला सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई समस्या नहीं होगी। जिनको भी डायबिटीज की समस्या है वो दोस्तों गुड़ ना मिलाएं तो बेहतर है, वो बिना गुड़ के सेवन करें तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से बचने के लिए आप लौकी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, लौकी के जूस का सेवन करें। हार्ट ब्लॉकेज दूर करने के लिए लौकी की सब्जी और लौकी का जूस बेहद बेनिफिशियल है। लौकी के जूस में आप तुलसी की पत्तियां या फिर पुदीना मिलाकर पिएं। इसके स्वाद को बदलने के लिए आप सेंधा नमक मिला सकते हैं। आप हफ्ते में 5 दिन लौकी के जूस का सेवन करें, ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। ऐसे में आप ब्लॉकेज को खोलने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ब्लॉकेज को ठीक करने के साथ ही ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में असरदार है। इस योग को नियमित रूप से करने से ब्लॉक नाड़ी खुलती है, साथ ही फ्रेंड्स हमारी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी देखने को मिलती है। कपाल भाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कपाल भाति प्राणायाम को डायरेक्ट नहीं करते, पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास होने के बाद ही इसे कर सकते हैं। कपाल भाति को सही तरीके से करने से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से आप बच सकते हैं। कपाल भाति प्राणायाम करने से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का खतरा भी नहीं होता। ये प्राणायाम हमारे हार्ट को और नसों की ब्लॉकेज को ठीक करने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जो औषधि है, जो ये रेमेडी है, आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि आपको नर्व्स ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।